टिकरा हमारा किचन। आज मैं अपने किचन में आपके साथ कोरियन फ्राइड चिकन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा क्रंची, सॉसी और डिलीशियस होती है। तो आज की मेरी ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चलिए हम अपने कोरियन फ्राइड चिकन को बनाना स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। सबसे पहले हम चिकन को बाउल में ऐड कर देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून ग्रेटेड जिंजर, 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम हाथों से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे लगभग 10 मिनट के लिए हम साइड में रख देंगे। एक प्लेट में मैंने 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का पाउडर ले लिया है। इसी में हम चिकन के पीसेस को अच्छे से कोट करेंगे। इस तरह से हम चिकन के सभी पीसेस को कॉर्नफ्लोर से कोट कर देंगे। कॉर्नफ्लोर की जगह आप अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने चिकन के सभी पीसेस को कॉर्नफ्लोर से कोट कर लिया है और आयल को भी मैंने फ्लेम पर रख दिया है, हाई फ्लेम पर गर्म होने के लिए। तो हम इसे फ्राई कर लेते हैं। हाई फ्लेम पर हम इसे लगभग 15 मिनट तक फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पर चिकन को फ्राई करते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे ऑयल से बाहर निकाल लेती हूँ। चिकन को मैंने बाहर निकाल लिया है ऑयल से। अब गैस के फ्लेम को हम स्लो कर देंगे और लगभग 10 मिनट के बाद हम चिकन को फिर से फ्राई करेंगे। और इस तरह से हम ऑयल को थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। फ्लेम को स्लो पर ही रखेंगे। लगभग 10 मिनट बाद हम फिर से फ्लेम को मीडियम पर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर चिकन को हम 10 मिनट के लिए फिर से फ्राई करेंगे। 10 मिनट हो चुका है हमें चिकन को ऑयल से बाहर निकाले हुए। अब हम फिर से चिकन को ऑयल में ऐड कर देंगे और फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर लगभग 10 मिनट के लिए हम चिकन को फिर से फ्राई करेंगे। दस मिनट हो चुके हैं चिकन को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करते हुए। अब हम इसे ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं और इसके लिए सॉस को रेडी कर लेते हैं। तो सॉस बनाने के लिए मैंने एक पैन को गैस के फ्लेम पर रख दिया है। फ्लेम को मैंने मीडियम पर ही कर रखा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून ग्रेटेड गार्लिक, 1 मिनट के लिए ऑयल में सॉटे कर लेंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी रेड चिली के पीसेस। इन्हें भी हम थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे लगभग 10 सेकेंड के लिए।
अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून विनेगर ऐड करेंगे, वाइट विनेगर, और 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे हम मस्टर्ड सॉस। अगर आपके पास मस्टर्ड सॉस नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून टोमेटो सॉस और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए गैस के मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे फ्राई किए हुए चिकन को और अच्छे से हम सॉस के साथ चिकन को मिक्स कर देंगे। इस तरह से हमारा कोरियन स्टाइल फ्राइड चिकन रेडी हो गया है। अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। तो लीजिए, हमारा बहुत ही डिलीशियस क्रिस्पी और सॉसी KFC यानी कि कोरियन फ्राइड चिकन रेडी है। मेरी इस रेसिपी को अपने किचन में आप ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और डिलीशियस है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।